तो आज फिर से एक नया पार्सल आया है माधव के लिए। तो माधव का दूसरा गिफ्ट है ये बर्थडे वाला गिफ्ट। कम से कम दो गिफ्ट हो गया है उसका अब तक। तो देखो कितना प्यारा सा एक गिफ्ट आया है माधव का। तो ये ना छोटा हो गया है, लेकिन हमने फिर से इसको मतलब बड़ा वाला एक मंगवाया है, तो उसका बड़ा आएगा, बहुत प्यारा है। ये भी माधव के चाचा ने दिया है, तो ये बहुत प्यारा सा है, लेकिन मेरे को बहुत छोटा लग रहा था, तो फिर मैंने कहा इसको एक्सचेंज कर दो, तो ये एक्सचेंज करेंगे। और मतलब नया कपड़ा पहनते ही सबसे पहले चलो मुझे लेके चलो बाहर घुमाने, नया कपड़ा चप्पल अगर पहना हो तो सीधे जाना है इसको बाहर। तो अभी ना माधव को फिर मैंने भेज दिया उसके मामा के घर में, क्योंकि उसने नया कपड़ा पहना है, और जब भी वो कुछ पहनता है तो उसको हम भेज देते हैं या फिर उसके पापा कहीं घुमाने लेके जाते हैं। और अभी ना माधव वहाँ पे है, तो फिर हमने सोचा कि चलो वो है नहीं तो ये तरबूज खा लेते हैं। अगर उसके सामने खाते ना तो ये तरबूज खाता नहीं, बस गंदा ही करता खाली वो। हम उसको बहुत कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फल फ्रूट तो खाता ही नहीं है, बस केला खाता है वो बैठ बैठ के। और कभी कभार तो वो केला भी नहीं खाता है, केले को लेके ना हाथ में एकदम मसल देता है। तो इसलिए हमें ना उसके सामने ये सब चीज़ें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। एक तो काम बहुत बढ़ा देता है, क्या करता है ना कि या तो कहीं फेंक देगा या दीवार में लगा देगा कहीं पे भी। हमारा जो अलमीरा है ना उसके शीशे में तो एकदम केला फिर अंगूर ये सब कुछ लगा है, और इतना गुस्सा आता है ना। बच्चों वाले घर में यही सब होता है, आप लोगों को यही सब देखने को मिलेगा। हर तरफ खिलौने, हर तरफ कपड़े इधर उधर फेंके हुए रहते हैं, बहुत बुरा लगता है। तो कभी कभार मैं सोचती हूँ कि यार लोग मेरे घर में जब पहले आते थे ना तो बोलते थे कि बहुत अच्छा आप काम करती हो, बहुत अच्छा आप अरेंजमेंट करके रखती हो, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाता है, अब मैं रख ही नहीं पाती हूँ क्योंकि माधव इतना शैतानी करता है, और फिर मैं रखूँ कुछ भी वो सब ख़राब कर देता है। हम लोग जब मेरे पास एक ही कमरा था तब, मतलब यही वाला किचन और एक कमरा था, तब मैं बहुत अच्छे से रखती थी। लोग मेरे घर में आते थे और बोलते थे बहुत अच्छा घर बनाया है, बहुत प्यारा सा है। और गर्मियों में ना तरबूज खाना बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे माधव देखो अकेले अकेले नहा रहा है, देखो अकेले अकेले सब कुछ कर रहा है। बड़ा हो गया है ना मेरा माधव, अभी 2 साल का हो गया है, तो अभी इतनी समझ आ गई है। अभी तो बस बात नहीं कर पाता है, लेकिन वो धीरे धीरे कर लेगा, बहुत अच्छी बात है। मेरा माधव अभी नहा रहा है अकेले अकेले, और कुछ दिन के बाद जो है ना वो स्कूल भी जाने लगेगा। मतलब अभी तो नहीं देंगे, कम से कम 4 साल होगा तभी देंगे। और अभी माधव उतना अच्छा बोल नहीं पाता है, तो जब एकदम प्रॉपरली बोलेगा तब मैं उसको स्कूल में डाल दूँगी। और मैंने ना ये जो ड्रेस है ना ये धो दिया था थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ये सॉफ्ट हुआ ही नहीं, मुझे फिर से इसको धोना पड़ेगा। और ये देखो जितना भी आलू मिलता है ये लड़का सब फेंक देता है, इधर उधर करके रख देता है, बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर मुझे।